स्लिप डिस्क सर्जरी में क्या होता है? नॉर्मली आजकल जब हम छोटे चीरे वाली स्लिप डिस्क सर्जरी करते हैं तो इसमें करीब हम इतना चीरा देते हैं और उसी के थ्रू माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए हम नस को साइड में करते हुए बहुत ही कम हड्डी काटते हुए डिस्क का वो टुकड़ा हटा देते हैं जो कि नस को दबा रहा होता है। स्लिप डिस्क सर्जरी में आजकल हम बहुत ही कम हड्डी काटते हैं, जिसको हम विंडो बनाना कहते हैं, बस उतनी ही काटते हैं। नस को हटा के डिस्क का सिर्फ वो टुकड़ा निकालते हैं जो कि नस को दबा रहा है। हम बची हुई डिस्क को नहीं निकालते, क्योंकि बची हुई डिस्क को निकाल देने से फ्यूचर में बैक स्ट्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्लिप डिस्क सर्जरी बहुत ही सेफ सर्जरी है, क्योंकि हम माइक्रोस्कोप जब यूज़ करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नॉर्मली ये 40 मिनट की सर्जरी होती है और इसके अगले ही दिन हम पेशेंट की छुट्टी करके पेशेंट को घर भेज देते हैं। इसमें चीरा भी बहुत छोटा आता है और हम घुलने वाले टाँके लगाते हैं ताकि पेशेंट को टाँके निकलवाने के लिए हमारे पास ना आना पड़े। अगले दिन पेशेंट बैठने चलने लग जाता है, उसकी हम छुट्टी कर देते हैं। चौथे पाँचवें दिन तक पेशेंट की सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मल हो जाती है और 10 दिन बाद वो करीब अपनी नॉर्मल लाइफ बिता सकता है। स्लिप डिस्क में सर्जरी की ज़रूरत सिर्फ कुछ गिनी चुनी सिचुएशंस में ही पड़ती है, जैसे कि अगर कमर में या पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो जो कि दवाइयों से ठीक ना हो रहा हो, जिसे हम सियाटिका कहते हैं, या फिर पैरों में सुन्नपन हो जो कि चलने में दिक्कत कर रहा हो, या बैलेंस जा रहा हो, या पैर की ताकत कम हो रही हो, या फिर मोशन और यूरिन में दिक्कत हो रही हो। नॉर्मली इन्हीं सिचुएशंस में हमको सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। 95% लोगों को स्लिप डिस्क में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपको ये 5 कंडीशंस हैं तो आपको स्लिप डिस्क सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। आजकल स्लिप डिस्क सर्जरी एक बहुत सेफ सर्जरी है, जिसके बहुत अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं, और जब हम माइक्रोस्कोप में ये सर्जरी करते हैं तो इसमें कॉम्प्लिकेशन या नर्व डेफिसिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसमें बहुत ही छोटा चीरा आता है, बहुत ही कम हड्डी काटनी पड़ती है, नॉर्मल टिश्यू का डिसेक्शन ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, और डिस्क के सिर्फ हम उसी पार्ट को निकालते हैं जो कि नस को दबा रहा है, जिससे पेशेंट को फ्यूचर में बैक पेन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। थैंक यू।